महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अनाथालय के बारे में हम और जानकारी के लिए आइए मिलते हैं इनके ओनर से। तो सर आप ये अनाथालय कितने सालों से चला रहे हैं? ये शुरू हुआ था 1995 में, तो आज करीब 22 साल हो गए हैं इसको चलते हुए। और जब हमने शुरू किया था उस वक्त 2-3 बच्चों से शुरू किया था। तो आज इस अनाथालय में कितने बच्चे हैं और आप इसे कैसे मैनेज करते हैं? उसमें करीब आज की डेट में 28 के आसपास बच्चे हैं, छोटे बड़े सब मिला के। और इस वक्त जो हम चला रहे हैं मैक्सिमम ये डोनेशंस पे ही चलता है। कुछ हमारे फ्रेंड सर्कल हैं, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कुछ और डोनर्स हैं जो कि इसमें रेगुलरली चंदा या डोनेशन देते रहते हैं और उसी के खर्चे पे ये चलता है सारा। थैंक यू सर, हम आपसे बाद में मिलेंगे। यार ये सुनो। अरे सुनो। सुनो भाई, ही सो स्ट्रेंज, बहुत अजीब है यार। लेट्स ट्रैक हिम।
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं उर्वशी सोनी। तो आज हम आपके सामने लाए हैं एक छोटे से चौल के एक लड़के की कहानी। वैसे तो ये लड़का आम है, पर इसकी कहानी सुनकर आपके अंदर की इंसानियत जाग उठेगी। तो बताइए अपने बारे में कुछ और अपनी कहानी के। वैसे तो मेरा नाम रखने वाला कोई नहीं था, लेकिन अनाथ आश्रम में सब मुझे सोनू के नाम से बुलाते हैं। जब मैं 2 साल का था तो कोई मुझे अनाथ आश्रम के बाहर छोड़ के चला गया। भैया मेरा धर्म क्या है? तू या तो हिंदू है या मुसलमान, सिख या ईसाई है। तो जैसे कि हमने देखा, आप चारों धर्मों में विश्वास रखते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किसने कहा कि मैं चारों धर्मों में विश्वास रखता हूँ? मैं तो इंसानियत में विश्वास रखता हूँ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक ही तो हैं। मैं तो इंसानियत के खातिर करता हूँ ये सब। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? बैठिए प्लीज, अभी तो बहुत कुछ जानना बाकी है। प्लीज बैठिए। क्या बताऊं, क्या बोलूं? आपके सवालों का मेरे पास एक ही जवाब है कि मुझे अभी भी सारे धर्मों के बारे में जानना बाकी है। तो जैसे कि आज हमने देखा कि एक छोटे से एक चौल के एक लड़के की कहानी, जिससे हमें यही सीखने को मिलता है कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है।